with reality. You don't have to do this! I don't want the money! I don't want the money! इस मूवी की शुरुआत में ग्राम नाम के एक आदमी को सड़क पर यहाँ वहाँ पर घूमते हुए दिखाया जाता है। तभी अचानक वो एक लड़की से टकरा जाता है और वो लड़की उसका वॉलेट चुरा लेती है। ये बात ग्राम को पता चल जाती है, लेकिन उस लड़की से कुछ नहीं कहता है और सिर्फ अपनी वाइफ की फ़ोटो वॉलेट में से निकालकर उसे वापस देने को कहता है, जिसे वो अपने पॉकेट में रखकर होटल में अपने दोस्त माइल्स से मिलने के लिए चला जाता है। फिर वहाँ पर बैठकर वो दोनों ड्रिंक कर रहे थे कि तभी माइल्स के फ़ोन पर ब्लैक रैबिट नाम की एक वेबसाइट से एक मैसेज आता है, जिसके बारे में ग्राम उससे ये पूछता है कि उसे इसके बारे में क्या पता है, जिस पर माइल्स उसे बताता है कि ये एक ऐसी वेबसाइट है जहाँ पर पैसों के बदले में लोगों के सेक्सुअल और डार्क फैंटेसी को पूरा किया जाता है। ग्राम को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे उसे ऑलरेडी इस वेबसाइट के बारे में पता है। वो माइल्स को इन सबसे दूर रहने का कहकर वहाँ से निकल जाता है। अब होटल से बाहर आकर ग्राम को एक आदमी मिलता है जो उसे अपने साथ में ले जाकर एक मिडनाइट पिपशो क्लब के बाहर छोड़कर वहाँ से चला जाता है। दोस्तों, पिपशो दरअसल एक ऐसा शो होता है जिसमें एक बॉक्स के अंदर कुछ स्टोरीज प्ले की जाती है और उसके अंदर हमें देखना होता है। ग्राम क्लब के अंदर जाता है जहाँ पर क्रीपी सी औरत के अलावा और कोई नहीं था, जो उसे बताती है कि अगर उसे इस जगह का मजा लेना है तो उसे 2 पाउंड की करेंसी जमा करनी होगी, जिसके बदले में वो अपनी फैंटेसीज पूरी कर सकता है। फिर अब ग्राम एक डार्क रूम में जाता है जहाँ पर एक पिपशॉप बॉक्स में से वो एक लड़की को देखता है जिसका नाम एलिस था, लेकिन अंधेरा होने की वजह से उसका चेहरा क्लियर नहीं दिखाया जाता है। एलिस ग्राम से पूछती है कि क्या वो उसे हार्म करने या फिर किसी भी तरीके से उसे टॉर्चर करना चाहता है जिसके बदले में उसे प्लेजर मिले, जिस पर ग्राम उसे बताता है कि वो उसके साथ में कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहता है। तो ग्राम अब वहाँ से जाना चाहता था, लेकिन एलिस ग्राम को पिपशो के थ्रू अपनी स्टोरी बताने लगती है। हम एलिस और उसके पति डेविड को देख पाते हैं जिनकी किसी बात पर बहस चल रही थी। एलिस वहाँ से जाना चाहती थी, लेकिन डेविड उसे जाने नहीं देता है और सोफे पर बैठकर टीवी देखने लगती है। डेविड भी उसके पास आकर बैठता है और एलिस से माफ़ी मांगने लगता है। फिर अब दोनों आपस में क्लोज आते हैं कि तभी घर का फ़ोन रिंग होता है और डेविड नीचे चला जाता है। फिर कुछ ही देर के बाद डेविड के सर पर गन रखकर एक आदमी उसके साथ में ऊपर आता है और उस आदमी का नाम जोई था। जोई अपने बैग से एक रस्सी निकालकर डेविड को चेयर पर बांध देता है और फिर एलिस के इनरवेयर निकलवाकर उसे डेविड के मुंह में ठूसकर एलिस के साथ में जबरदस्ती इंटीमेट होने लगता है और फिर जोई डेविड को भी शूट कर देता है। दरअसल इस सारी प्लानिंग एलिस की ही थी, क्योंकि वो भी ब्लैक रैबिट वेबसाइट के लिए काम करके बहुत सारा पैसा कमाना चाहती थी और अपने पति के साथ में हर मोमेंट को रिकॉर्ड करने के लिए उसने अपने पूरे घर में कैमरास लगाए हुए थे। सीन कट होता है और अब हम कुछ हफ्ते पहले की स्टोरी फ्लैशबैक में देखते हैं, जब एलिस जोई से क्लब में मिली थी और जोई के साथ में इंटीमेट होती है, जहाँ पर वो जोई को ब्लैक रैबिट वेबसाइट के बारे में बताती है, जिसमें जोई भी उसका साथ देने के लिए मान जाता है क्योंकि ब्लैक रैबिट से मिलने वाला अमाउंट वो जोई के साथ में भी शेयर करने वाली थी। अगेन कहानी प्रेजेंट में आती है जहाँ पर जैसे तैसे डेविड अपने आप को छुड़वाता है, जिसके बाद में डेविड और जोई में हाथापाई होने लगती है और जोई डेविड को फिर से शूट कर देता है। अब जोई एलिस के क्लोज आता है और एलिस जोई के हाथ से गन लेकर जोई के सर में शूट करके उसे मार डालती है और फिर डेविड के पास जाकर उसे संभालती है, लेकिन डेविड एलिस को ही शूट कर देता है। तो अब मूवी के प्रेजेंट में हम ग्राम को देखते हैं। ग्राम उस जगह से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन अंधेरा काफ़ी होने की वजह से उसे कुछ दिखाई नहीं देता है, तो इसीलिए वो एक माचिस की तीली जलाता है और उस माचिस की लाइट में उसे उसकी पत्नी का चेहरा दिखाई देता है, जिसे देखकर वो बहुत ही घबरा जाता है और ऐसा आखिर क्यों हुआ ये आपको आगे पता चलेगा। जिसके बाद में अब ग्राम वहाँ से निकलने की कोशिश में दूसरे रूम में चला जाता है और वहाँ पर वो देखता है कि एक लड़की किसी ब्राइड के जैसा तैयार थी। वो अपने हाथ की नसों को नाखूनों से खुरच रही थी, जिसे देखकर ग्राम डर जाता है और वहाँ से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन वो लड़की उसे अपनी बातों में फंसाकर उसे वहीं पर रोक लेती है और फिर अपनी स्टोरी के बारे में बताते बताते कंटिन्यूसली अपने हाथ की नस को छीलने लगती है और उसकी आंखों से भी खून आने लगता है। अब यहाँ पर हमें इस लड़की की कहानी दिखाई जाती है। इस लड़की का नाम हेलन था, जो कि बेहोशी की हालत में एक चेयर पर बैठी हुई थी। जब उसे होश आता है तो खुद को टूटे फूटे रूम के अंदर एक ब्राइड के जैसे ड्रेस में पाती है और उसके सामने वाले रूम में 3 लड़कों को एक चेयर पर बांध कर रखा गया था, जिनमें से 2 लड़के उसे जानते थे। एक का नाम था चेस्टर, जो कि हेलन का एक्स था, और दूसरा का नाम था मैक्सवेल, जो कि एक योगा इंस्ट्रक्टर था। उन सभी को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वे सब यहाँ पर कैसे पहुँचे हैं और आगे उनके साथ में क्या होने वाला है। उन्हें बस ये लग रहा था कि उनके साथ में कोई प्रैंक कर रहा है। अब यहाँ पर भी हर जगह कैमरा लगे हुए थे, यानी कि इन लोगों पर भी लाइव स्ट्रीमिंग हो रही थी। हेलन एक एक करके उन सभी को वहाँ से छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाती है, जिसके बाद में उसका ध्यान सामने रखे हुए एक बॉक्स के ऊपर जाता है। जब वो उस बॉक्स के अंदर चेक करती है तो उसे एक चाकू, एक हैमर और बोल्ट कटर जैसी चीजें मिलती है, और फिर वो बोल्ट कटर से चेस्टर के हाथ की रस्सी को काटने की कोशिश करती है, और जैसे ही वो उसकी रस्सी को काटती है तो चेस्टर को एक इलेक्ट्रिक शॉक लगता है। फिर तभी रूम में लगे माइक में से गेम मास्टर की आवाज़ आती है, जो कि अनाउंस करता है कि अगर कोई कंटेस्टेंट यहाँ से भागने की कोशिश करता है तो उसे उनके गले में लगे हुए नेक बैंड से इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाएगा, और यहाँ से निकलने के लिए उन्हें कुछ टास्क परफॉर्म करने होंगे। इसे सुनकर हेलन दरवाजे की तरफ भागती है और दरवाज़ा खोलने के लिए चिल्लाने लगती है, और उसे ऐसा करने पर उसे जोर का शॉक दिया जाता है। फिर अब हेलन गेम मास्टर से पूछती है कि उन्हें यहाँ पर क्यों लाया गया है, जिस पर गेम मास्टर उन सभी का वेलकम करता है और फिर उनसे एक गेम खेलने के लिए कहता है, जिसके 3 राउंड होंगे, और ये गेम मास्टर अपना नाम ब्लैक रैबिट बताता है, और ये भी हो सकता है कि ब्लैक रैबिट नाम की वेबसाइट इसी की हो। तो अब ये तीनों लड़के इस गेम को खेलने से मना कर देते हैं, जिस पर उन सभी को फिर से इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाता है। हेलन को समझ में आ जाता है कि अगर उन्हें यहाँ से निकलना है तो उसे ब्लैक रैबिट की बात माननी होगी, और वो गेम खेलने के लिए मान जाती है। अब ब्लैक रैबिट हेलन को पहला टास्क देता है, जिसमें उसे उन तीनों लड़कों में से किसी एक को चूज करके उनके साथ में इंटीमेट होना होगा। ऐसा करने के लिए उसके पास में सिर्फ 5 मिनट का टाइम होगा। उसे उस लड़के को 5 मिनट के अंदर सेटिस्फाई भी करना होगा, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो उसे फिर से शॉक दिया जाएगा जब तक कि उनकी मौत नहीं हो जाती। ये सुनकर हेलन तीसरे लड़के यानी कि लियाम को इंटीमेट होने के लिए चूज करती है। चेस्टर हेलन से कहता है कि उसे उसके साथ में इंटीमेट होना चाहिए, ना कि किसी टोटल स्ट्रेंजर को, जिस पर हेलन उसे बताती है कि वो लियाम को बहुत पहले से जानती है। जब हेलन और चेस्टर रिलेशनशिप में थे तब हेलन ने लियाम के साथ में मिलकर चेस्टर को चीट किया था, और इतना बताकर हेलन लियाम के साथ में इंटीमेट हो जाती है, और वो पहले राउंड को कंप्लीट करती है। लेकिन तभी लियाम को इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाता है, जिससे कि वो बेहोश हो जाता है। फिर अब ब्लैक रैबिट हेलन को दूसरे राउंड के बारे में बताता है, जिसमें उसे बचे हुए 2 लड़कों में से अपने ट्रू लव को चूज करना होगा, और उसी को जिंदगी भर अपना पति मानना होगा, जिसके बाद में हेलन और उसके पति को यहाँ से रिलीज कर दिया जाएगा। लेकिन तब भी ब्लैक रैबिट की हमेशा उन पर नजर रहेगी, और अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो इसके बदले में उन्हें फिर से पनिश किया जाएगा। अब ब्लैक रैबिट हेलन के सामने रखे हुए बैग में से 2 रिंग्स निकालकर उसे लाने के लिए कहता है, जिसमें से एक रिंग वो खुद पहनती है और दूसरी रिंग को उसे अपने होने वाले पति की उंगली में पहनाना होगा, जिसके लिए उसके पास में सिर्फ 3 मिनट का टाइम होगा। लेकिन हेलन फ्रस्ट्रेट होकर उस रिंग को फेंक देती है। यहाँ पर चेस्टर और हेलन की बातों से हमें पता चलता है कि एक बार पहले भी ये दोनों आपस में शादी करना चाहते थे, लेकिन हेलन शादी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहती थी, जिस वजह से उसने चेस्टर को चीट किया था। पर इस बार चेस्टर के समझाने पर वो फिर से उस रिंग को ढूंढ कर लाती है, और 3 मिनट का टाइम खत्म होने से सिर्फ कुछ ही सेकंड पहले वो उस रिंग को चेस्टर की उंगली में पहना देती है। तो अब ब्लैक रैबिट हेलन को तीसरा यानी कि फाइनल राउंड खेलने के लिए कहता है, जिसमें हेलन को चेस्टर और मैक्सवेल में से किसी एक की जान लेनी होगी, और उसके बाद ही बचे हुए 2 लोग वहाँ से निकल पाएंगे, और इस टास्क को पूरा करने के लिए भी उसे 3 मिनट ही दिए जाएंगे। चेस्टर और हेलन के लिए मैक्सवेल अपनी लाइफ सेक्रीफाइस करने के लिए मान जाता है, और हेलन एक रस्सी से उसका गला दबाकर उसे मारने लगती है, लेकिन ऐसा करने में उसे बहुत ही देर लग रही थी, तो इसीलिए हेलन एक हैमर को मैक्सवेल के सिर पर मारती है, जिससे कि चोट की वजह से मैक्सवेल का खून उड़कर हेलन के ऊपर आता है, और मैक्सवेल की वहीं पर मौत हो जाती है। तभी लियाम भी होश में आ जाता है, और चेस्टर भी अपने आप को आसानी से छुड़ाकर हेलन को हक करता है। इन द एंड हमें पता चलता है कि चेस्टर भी ब्लैक रैबिट के साथ में मिला हुआ था, जिसके बाद में चेस्टर हेलन को लेकर दरवाजे से बाहर निकल जाता है। मूवी अगेन वापस से प्रेजेंट में आती है, जहाँ पर ग्राम हेलन की इस स्टोरी को सुनकर वहाँ से जाने लगता है, और फिर उसे वही क्रीपी औरत दिखाई देती है, जिसके पास में ब्लैक कलर का रैबिट होता है। ग्राम उस रैबिट का पीछा करते हुए एक दूसरे रूम में चला जाता है, और जब वो उस रूम की विंडो से अंदर देखता है तो उसे अंदर इसाबेल यानी कि उसकी वाइफ दिखाई देती है, जो कि काफ़ी बुरी हालत में थी, और उसके गले में स्टिचेस लगे हुए थे। अब यहाँ पर ग्राम को अपना पास्ट दिखाई देने लगता है। जब ग्राम अपनी वाइफ इसाबेल के साथ में काफ़ी खुश था, तभी उसके फ़ोन पर ब्लैक रैबिट वेबसाइट से एक मैसेज आता है कि इसाबेल को अपना काम शुरू करना चाहिए, यानी कि इसाबेल भी इन सब में शामिल हो चुकी थी। ग्राम और इसाबेल अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। देन सडनली इसाबेल ग्राम से इंटीमेट होने के लिए कहती है, और ये भी कहती है कि ग्राम उसके लिए पे करे। ग्राम भी इसके लिए मान जाता है, लेकिन ग्राम को उस वेबसाइट के बारे में कुछ भी नहीं पता था, वो इसे सिर्फ इसाबेल की एक फैंटेसी समझ रहा था। तो अब इसाबेल अपने फ़ोन को एक जगह पर रखती है और अपने आप ही इसाबेल का फ़ोन लाइव हो जाता है और अब दोनों इंटीमेट होने लगते हैं। सीन कट होता है और अगले सीन में इसाबेल अपने एक फ्रेंड से मिलती है और उसे ग्राम और अपने बारे में सब बताती है और साथ ही ब्लैक रैबिट के बारे में बताते हुए रैबिट का स्केच वो ड्रॉ करती है। इसाबेल अब अपने लैपटॉप में कुछ काम कर रही होती है कि तभी उसे ब्लैक रैबिट का मैसेज आता है जिसमें वो इसाबेल को जेजाबेल के नाम से बुलाता है। ये देखकर इसाबेल शॉक्ड थी क्योंकि इंटीमेट होते टाइम ग्राम उसे इस नाम से बुला रहा था। यहाँ पर हमें यह भी पता चलता है कि इसाबेल की सारी प्राइवेट इन्फॉर्मेशन इस कल्ट के पास में पहुँच चुकी है और वे लोग इसाबेल से वो सब करवाना चाहते थे जो कि उन्हें पसंद था और इसके चलते इसाबेल को न चाहते हुए भी उनके लिए काम करना पड़ता है। ब्लैक रैबिट के अकॉर्डिंग इसाबेल को एक प्रोस्टिट्यूट का रोल प्ले करना था जिसके बदले में उसे काफ़ी सारा पैसा मिलने वाला था। फिर अगले सुबह किचन में इसाबेल रेडी होकर ग्राम के सामने आती है और फिर से उसे खुद के साथ में इंटीमेट होने के लिए कहती है, लेकिन इंटीमेसी के बदले में वो ग्राम को पे करने के लिए कहती है। लेकिन अब ग्राम ये नहीं करना चाहता था क्योंकि इसाबेल उसकी वाइफ थी, पर बिना पैसों के इसाबेल ग्राम को अपने क्लोज नहीं आने देती है। अब इसाबेल ग्राम से उसकी बॉडी पर कट लगाने के लिए कहती है, लेकिन ग्राम ऐसा नहीं करता है तो इसाबेल उसे धक्का देकर वहाँ से अपना सामान लेकर निकल जाती है। इसाबेल यानी कि जेजाबेल रेड लाइट एरिया में जाकर एक आदमी के साथ में पैसों के बदले में इंटीमेट होने लगती है और उस पर कल्ट का एक मेंबर नजर रखे हुए था जो कि उसे ऐसा करते हुए लाइव रिकॉर्ड कर रहा था। कुछ देर के बाद में ग्राम उस जगह पर पहुंचता है और इस बार इसाबेल एक दूसरे आदमी के साथ में थी। ग्राम उसे घर में ले जाने की कोशिश करता है लेकिन इसाबेल उसके साथ में नहीं जाती है और वही सेम चीज़ करती है जो इंस्ट्रक्शन उसे ब्लैक रैबिट से मिल रहे थे। अब अगले सीन में ग्राम इसाबेल की फ्रेंड जिल से जाकर मिलता है जिसे इसाबेल ने ब्लैक रैबिट के बारे में बताया हुआ था। जिल एक प्रोफेशनल हैकर थी जो कि ब्लैक रैबिट का अकाउंट हैक करके ग्राम की हेल्प करने के लिए मान जाती है। फिर इधर ग्राम अपने घर पर आ जाता है और वेबसाइट से जुड़े हुए अलग अलग लोगों के नंबर पर कॉल करके उनसे ब्लैक रैबिट की जानकारी निकलवाने की कोशिश करता है, लेकिन उसे इस काम में सक्सेस नहीं मिलती है और वेबसाइट के कॉल के थ्रू उसे पता चल जाता है कि ब्लैक रैबिट के लोग उस पर भी नजर रखे हुए हैं। तभी ग्राम के पास में जिल का कॉल आता है जो कि उसे बताती है कि उसे वेबसाइट से कुछ डिस्टर्बिंग डाटा मिला है। उसे वेबसाइट से कुछ मिसिंग लोगों की पिक्चर्स और वीडियोस भी मिलती है जो कि वो ग्राम के साथ में शेयर करती है। ग्राम इसाबेल के बारे में पूछता है तो जिल बताती है कि उन लोगों ने इसाबेल के अकाउंट में अच्छा खासा पैसा ट्रांसफर किया है और वो ग्राम को उस जगह का एड्रेस भी शेयर करती है जहाँ पर आज के दिन इसाबेल जाने वाली थी। तभी इसाबेल का लैपटॉप ग्लिच होने लगता है और उसकी प्रोफाइल पर लैपटॉप की स्क्रीन पर उसकी मौत की तारीख लिखी थी जो कि आज की ही थी कि तभी अचानक कोई पीछे से आकर उसकी जान ले लेता है। सीन कट होता है और अब हमें इसाबेल को दिखाया जाता है जो कि कैब बुक करके उसी एड्रेस पर जाती है जहाँ पर ब्लैक रैबिट के साथ में उसकी बुकिंग थी। इसाबेल उस जगह पर पहुँचती है जो कि दिखने में किसी अबैंडन बिल्डिंग की तरह दिखाई दे रही थी। इसाबेल पासवर्ड बताकर उस बिल्डिंग के अंदर एंटर करती है जहाँ पर एक औरत इसाबेल से एक फॉर्म साइन करवाती है और एक कांच के दरवाजे से उसे अंदर जाने का रास्ता बताती है। इसाबेल को कुछ अजीब लग रहा था तो इसीलिए वो उसे अंदर जाने से मना करती है, लेकिन इसाबेल उन लोगों से ऑलरेडी पैसे ले चुकी थी और अब वो उसे रिटर्न भी नहीं कर सकती थी तो मजबूरन उसे अंदर जाना पड़ता है। इसाबेल एक चैम्बर से होते हुए उस जगह पर पहुंचती है जहाँ पर एक औरत थी जो कि अजीब से मेकअप के साथ में एक डॉक्टर के सूट में थी। वो उन सभी टॉर्चर वाले वीडियोस को देखकर काफ़ी खुश हो रही थी और फाइनली उसके साथ ही मास्क पहने ब्लैक रैबिट नाम का एक आदमी भी था जिसका नाम हम मूवी में काफ़ी देर से सुनते आ रहे हैं। ब्लैक रैबिट इसाबेल के कपड़े निकालकर उसे एक टेबल पर बेंड करके उसके हाथ और पैरों को हैंडकफ कर देता है और उस औरत के बारे में पूछने पर ब्लैक रैबिट उसे एक ट्रेंड डॉक्टर बताता है। दूसरी तरफ हम ग्राम को देखते हैं जो कि खुद भी उस एड्रेस पर पहुंच चुका था और उसका पीछा करते हुए उसी कल्ट का एक मेंबर भी वहां पर पहुंच जाता है, लेकिन ग्राम उस आदमी को पैसों का लालच देकर उसकी मदद करने के लिए उसे राजी कर लेता है और वो आदमी ग्राम को गन देकर उसे बिल्डिंग के अंदर एंट्री दिलवाने में उसकी हेल्प करता है। इधर बिल्डिंग में ब्लैक रैबिट इसाबेल के साथ में ज़बरदस्ती करने लगता है और वो डॉक्टर ये सब रिकॉर्ड करने लगती है और फिर वो इसाबेल के पास में आकर उसे किस करती है। फिर उसके बाद में वो एक चेंसो से इसाबेल के हाथों को काटकर उसे अलग कर देती है। तभी वहाँ पर ग्राम भी आ जाता है और डॉक्टर के ऊपर शूट करता है, लेकिन उस पर गोली का कोई असर नहीं होता है और वो डॉक्टर इसाबेल की गर्दन पर चेंसो रखकर उसे चला देती है। इसाबेल की गर्दन धड़ से अलग हो जाती है, लेकिन ब्लैक रैबिट अभी भी नहीं रुकता है और वो इसाबेल की डेड बॉडी के साथ में इंटीमेट होता रहता है और वो बहुत ही ब्रूटली तरीके से उसके साथ में इंटीमेट हो रहा था। फिर अब डॉक्टर ग्राम को मारने के लिए जाती है, लेकिन ब्लैक रैबिट उसे कहता है कि हम इन्वेस्टर को नहीं मारते हैं और इतना कहकर ब्लैक रैबिट ग्राम के फेस पर लात मारता है और ग्राम वहीं पर बेहोश हो जाता है। जब ग्राम को होश आता है तो वहाँ पर कुछ नहीं था और वो भी अब वहाँ से बाहर निकल जाता है। अब अगेन मूवी प्रेजेंट में आ जाती है जहाँ पर इसाबेल उसे मैनिपुलेट करके उसे मारने की कोशिश करती है। ग्राम को वहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं मिलता है और फिर से वो क्रीपी औरत उसे दिखाई देती है जो कि ग्राम को उसके रैबिट के पीछे जाने का इशारा करती है। अब फिर से ग्राम एक रूम में पहुंच जाता है जहाँ पर वो फिर से एलिस, हेलन और इसाबेल और उन सभी लड़कों को देखता है। ये सभी अपनी मौत का जिम्मेदार ग्राम को ठहराते हैं और एक पोल को ग्राम के चेस्ट के आर पार करके उसकी जान ले लेते हैं। तो अब आप सभी लोग ये सोच रहे होंगे कि ये सब तो मर चुके हैं तो फिर ये लोग वापस कैसे जिंदा हो सकते हैं और इन्होंने ग्राम को क्यों मारा। दरअसल ग्राम उन इन्वेस्टर्स में से था जिसने इस ब्लैक रैबिट वेबसाइट पर इन्वेस्ट किया था और अगर वो ऐसा नहीं करता तो शायद ये वेबसाइट नहीं बनती जिससे वही क्रीपी औरत चला रही थी और इसके पीछे इन सभी लोगों की जान भी नहीं जाती। असल में सारे लोग मर चुके थे और आखिर में इन सभी की स्पिरिट ने अपनी मौत का बदला ग्राम से लिया। मूवी के लास्ट में हम माइल्स को देखते हैं जिसे वो क्रीपी औरत मसाज कर रही थी, यानी कि अब उसका अगला शिकार माइल्स होने वाला था। और इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों ये था द मिडनाइट पीप शो मूवी का एक्सप्लेनेशन। ये मूवी काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बिंग मूवी है और इस मूवी में डार्क वेब पे एक छोटे से पार्ट को दिखाया गया है कि डार्क वेब में किस तरह की वेबसाइट होती है और वहाँ पर कैसे लोगों को पैसों के बदले में टॉर्चर किया जाता है। बहुत सारे अमीर लोग अपने फैंटेसीज को पूरा करने के लिए नॉर्मल लोगों को किडनैप करके उन्हें सिर्फ एक गेम में डालकर उन्हें मरवा देते हैं और इनके बदले में उन्हें सिर्फ एंजॉयमेंट मिलता है। ये लोग ऐसे कल्ट के लोग होते हैं जिनके पास में बेशुमार दौलत होती है। ये लोग डार्क वेब के जरिए अपनी घिनौनी हरकत को अंजाम देते हैं ताकि पुलिस को पता न चले और कभी भी कानून के हाथ में नहीं आए। दोस्तों डार्क वेब एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में मैं अगर आपको बताना चाहूँ तो उसकी इतनी घिनौनी चीज़ें सामने आएगी वो मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन नहीं कर सकता। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं डार्क वेब के बारे में आपको डिटेल में बताऊँ तो आप इस वीडियो को देखने के बाद में नीचे कमेंट में ज़रूर लिख दीजिएगा। मैं कोशिश करूँगा मैं आपके लिए डार्क वेब के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊँगा जिसे देखकर आपको मज़ा आ जाएगा। मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना। तो अब मैं आपसे मिलूँगा डार्क वेब के वीडियो के साथ में।